बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, तो बहुत सारे ट्रिक्स हम कर रहे थे, आज एक और ट्रिक, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एक्चुअली जो ट्रिक है ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए है कि हमारे पास अगर चार ऑप्शंस हो तो हाउ डू आई चेक कि विच ऑफ द फोर इज एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। बच्चों और एग्जैक्टली कैसे निकालना है एडजॉइंट या कैसे निकालना है इनवर्स शॉर्टकट, वो अगले वीडियो में मिलेगा, लेकिन आज ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए इनको 10 सेकेंड 20 सेकेंड में सॉल्व कैसे करते वो देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 23 जुगाड़ विद अंकुश सर। शॉर्ट ट्रिक है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारा मोटू इसको सॉल्व करता या निकालता तो कैसे करता? यस, पहले कोफैक्टर्स निकालता, फिर उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाता, आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाता और फिर कहता कि एडजॉइंट जो है किसी भी मैट्रिक्स का वो क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, है ना बेटा? यस, ये अप्रोच होता। आपको पता है कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है? यस सर, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ये होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट जब मैं निकालता हूं तो इसका ट्रांसपोज मतलब पहला रो बन जाता है, पहला कॉलम ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, राइट। तो आपको ये, तो भाई पतलू ने क्या किया ना, ये सब पढ़ रखा। पतलू है ऑब्जेक्टिव का शातिर प्लेयर, बहुत ही शातिर, तो उसको ये बात पता है। क्या पता है उसको कि यार मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ एलिमिनेशन से, जब मेरे पास ऑब्जेक्टिव है तो मैं एलिमिनेशन से कर सकता हूँ। तो उसको पता है कि यार कोफैक्टर ऑफ 1 1, कोफैक्टर ऑफ 2 2, कोफैक्टर ऑफ 3 3 ये डायगोनली ही आता है, राइट। सो उसको ये बात पता है तो वो ये यूज करेगा। उसको पता है कि यहाँ पे जो है ना किसका कोफैक्टर आता है, 2 1 का, ये पोजीशन खुद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है बट कोफैक्टर किसका आता है, 2 1 का, यहाँ पे 3 1 का। तो उसे ये बात पता है कि यार ट्रांसपोज लिया गया है, बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा सर एग्जाम्पल से बताते हैं, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि पतलू क्या करने वाला है इसको शॉर्ट में, विद इन सेकेंड्स ट्राई करेंगे। यस, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों कि हमें ये मैट्रिक्स दिया और इसका एडजॉइंट निकालना है, कैसे निकालूंगा मैं? तो बच्चा लोग पतलू कहेगा कि पहला रो पहला कॉलम डिलीट करो और कोफैक्टर निकाल लो। देखो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे माइनस थ्री, ठीक है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ माइनस फोर, या आ गया आपका पूरा पूरा वन, एंड क्या आया वन। तो हमारा जो एडजॉइंट होगा वहां पे ये वन आना चाहिए, ये वाला एलिमेंट क्या आना चाहिए, वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से डिलीट करके, तो वन यहाँ आ रहा है क्या? नहीं, ए ऑप्शन डिलीट हो गया, एलिमिनेट हो गया, राइट। ऐसे वो काम कर रहा है, यहाँ बना रहा है सर ये हो सकता है, सी में बना रहा है क्या? नहीं, और डी में बना रहा है, हाँ हो सकता है। तो हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए विद इन सेकेंड्स, 5 सेकेंड 10 सेकेंड लगेगा आपको, ठीक है। यस सर, अब डायगोनल एलिमेंट्स बाकी अगर देखोगे तो यार दोनों सेम है डायगोनल एलिमेंट्स, तो अब हमें कोई और एलिमेंट चेक करना चाहिए। हम चेक करते हैं ये पोजीशन जो है खुद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, लेकिन इसका कोफैक्टर कौन सा रहेगा सर, क्या ट्रांसपोज दिया गया था ना, यस, तो यहाँ पे जो है वो कौन सा रहेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर रहेगा। तो आपको यहाँ पे सेकेंड रो कट करना है, फर्स्ट कॉलम कट करना है, ठीक है, करेक्ट ना बच्चों? ये खुद कहाँ है, ये खुद 1 2 पे है, लेकिन यहाँ कोफैक्टर 2 1 का है, ये कॉन्सेप्ट पता है। अब कोफैक्टर निकालते कैसे, तो माइनस ऑफ माइनर, ये माइनर जो भी है, माइनस 3 4 माइनस 1 1, सॉल्व किया बेटा आपने, क्रॉस किया माइनस 3, माइनस ऑफ ये भी क्रॉस किया तो माइनस 4, तो ये आ गया माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस 4, तो पूरा पूरा माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 आना चाहिए। आप देखो अब डी इलिमिनेट हो गया एंड आंसर इज ऑप्शन बी। तो विद प्रैक्टिस ये और फास्ट कर सकते हो, 15-20 सेकंड में कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा क्या स्टेप से मेरी शॉर्टकट की, कि पहले तो आप पहला एलिमेंट देखोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कोफैक्टर निकाल के, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट देखोगे, दूसरा एलिमेंट कहाँ पे है ध्यान देना, दूसरे एलिमेंट की पोजिशन 1 2 है, लेकिन कोफैक्टर कौन सा रहेगा, 2 1 रहेगा, क्योंकि हमने ट्रांसपोज लिया था कोफैक्टर का,
राइट, ये याद रखना है आपको, यही कॉन्सेप्ट है। और इससे आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सीईटी लेवल के सॉल्व हो जाएंगे, या बोर्ड में जो पूछते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए एक और ट्राई करते हैं क्वेश्चन, इसका एडजॉइंट पता करना है। हम पहला एलिमेंट निकालेंगे कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करके, टू ऐसे क्रॉस में और ये जीरो, तो टू माइनस जीरो टू आ गया। पहला एलिमेंट टू आना चाहिए सर, ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल, ए और डी हो सकता है। यस बेटा, ए और डी हो सकता है, यू आर करेक्ट। अब मैं सेकेंड एलिमेंट निकालने की कोशिश करूंगा, तो सेकेंड एलिमेंट कहां पे है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है, ये फर्स्ट रो है सेकेंड कॉलम, लेकिन यहाँ कोफैक्टर कौन सा रहेगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनस ऑफ। नाउ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर निकाला आपने अगर 0061, तो ये क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है, यहाँ पे जीरो आना चाहिए था, लेकिन जीरो है क्या, नहीं, तो ये कैंसिल, तो ऑप्शन डी बिकम्स योर आंसर, नन ऑफ दिस। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, सोचते हैं कि सर नन ऑफ दिस का भी आंसर हो सकता है, बेटा अगर ऑप्शन में है तो हो सकता है, ठीक है। तो सबको बात समझ में क्या किया, पहले मैं सिर्फ दो एलिमेंट्स का निकालूंगा, पूरा नहीं निकालना है। बहुत सारे बच्चे ना आंख बंद करके पूरा निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर सोच के छोड़ देते हैं, यार एडजॉइंट बहुत बड़ा है छोड़ दे, तो बेटा ऐसे हम सॉल्व करके विद इन सेकेंड हम आंसर कर पाएंगे। खुश हुए, बहुत अच्छे, अगर खुश हो गए हैं तो आपके लिए एक स्टार क्वेश्चन, यू नीड टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ठीक। अच्छा बच्चों चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अच्छा यहाँ पे देखो तीनों ऑप्शन के ना, तीनों ऑप्शन के पहले एलिमेंट सेम है, तो डोंट ट्राई टू कैलकुलेट फर्स्ट एलिमेंट, डायरेक्टली कैलकुलेट सेकंड एलिमेंट, क्योंकि सेकंड एलिमेंट सबका अलग अलग है, ठीक है, और फिर आपको वो आंसर बताता ही रहेगा, या एलिमिनेट करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो कैसा लगा आपको शॉर्टकट, प्लीज लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस मोर सच ट्रिक्स स्टे कनेक्टेड ऑलवेज। अगले वीडियो में हम 3x3 का इनवर्स कैसे शॉर्ट में निकालेंगे विदाउट ऑप्शंस देखने वाले, तो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज, थैंक यू।